हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 जून 2023 के दैनिक जागरण के हम राष्ट्रीय संस्करण को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि गुलाम जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये स्टेटमेंट दिया है जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने, और एक उत्तर प्रदेश में एक भाजपा का कार्यक्रम था और उसका नाम था सुशासन भी सुरक्षा भी। इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, उसमें राजनाथ सिंह ने ये सारे बयान दिए हैं। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का कोई हक नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर को अपना क्षेत्र कहे। गुलाम जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान से तंग हैं और वह स्वयं ही ऐसा कुछ करेंगे कि भारत का हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए मेरी पाकिस्तान के नेताओं से सलाह है कि वो अपना घर संभालें। जिस तरीके से हाल ही में आपने देखा होगा कि उसमें कुछ बयान आ रहे थे कि भारत वाला जम्मू कश्मीर ले लिया जाएगा, इस तरीके के कई बयान आ रहे थे। उसके बाद जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका ये बयान सामने आया है। इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि जो पाकिस्तानी सेना है वहाँ के लोगों को, यानी कि गुलाम कश्मीर को जो पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है, उस वहाँ पर लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको आटा नहीं पहुँचाया जा रहा है, राशन नहीं पहुँचाया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए बोला जाता है और इंडिया के खिलाफ नारे लगवाए जाते हैं, इस तरीके के कई वीडियो भी प्रकाशित हुए हैं। जबकि वहाँ के लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, ये सब बातें राजनाथ सिंह ने बोली हैं। अब मैप के माध्यम से हम इस चीज को समझ लेते हैं। अब जो ये आप मैप देख रहे हैं, इसमें ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहां से, ये हमारा एलओसी है। एलओसी हमारा यहां से स्टार्ट हो जाता है और ये जम्मू कश्मीर जो हमारा एरिया है, और ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। तो ये इसी को लेकर हमेशा विवाद रहता है और कभी कभी पाकिस्तान इस हिस्से को, यानी ये वाला जो हमारा हिस्सा है, इसको अपना क्षेत्र बताने लगता है। अपने मैप में वो इस क्षेत्र को भी अपना हिस्सा बताता है जो आप ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, और जबकि इंडिया अपने मैप में इस क्षेत्र को अपना क्षेत्र दिखाता है, जो कि हकीकत यही है। ये पाकिस्तान ने इसको जबरन हड़प रखा है। और इसमें फिर राजनाथ सिंह से एक क्वेश्चन किया गया कि क्या अफस्फा कानून वहां से हटाए जाने की उम्मीद है, तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अफस्फा कानून यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AFSPA बोलते हैं, अफस्फा, और इसका हिंदी में जो फुल फॉर्म होता है वो है सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम। आपको पता होगा कि अफस्फा के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए आप कि इसका जो अफस्फा क्या है। देखिए, पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों की मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को अफस्फा कानून को पास किया गया था। 1958 में क्यों पास किया गया था? क्योंकि मणिपुर और असम में जिस तरीके से उग्रवादियों का बोलबाला हो गया था, उनको कंट्रोल में करने के लिए इस कानून को लाया गया था। उसके बाद 1989 में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा, तो वहाँ पर 90 में भी अफस्फा कानून को लागू कर दिया गया था। देखिए, अफस्फा कानून कहाँ लगाया जाता है? जहाँ पर आसान क्षेत्र होता है और जो वहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती जरूरी हो जाती है, और ये तय कौन करता है? ये केंद्र तय करता है, केंद्र सरकार तय करती है, और ये सिर्फ आसान क्षेत्रों के लिए ही लागू होता है। अफस्फा हर जगह नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म फिर से जान लीजिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। नेक्स्ट न्यूज है, देश से खत्म कर देंगे ड्रग्स का अवैध कारोबार। स्टेटमेंट दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से नारकोटिक्स के अवैध कारोबार के खिलाफ केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसको देखते हुए हम इसमें और कई कदम उठाने जा रहे हैं। जो ये अवैध कारोबार है, और कहीं पर भी विश्व में ये ना सुनाई दे कि भारत के रास्ते हमारे देश में नारकोटिक्स या फिर जो ड्रग्स है वो इस्तेमाल हुआ है, इसको लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग व अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कल मनाया गया, उसमें ये संदेश गृह मंत्री ने दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस अभियान को सशक्त करने के लिए गृह मंत्रालय ने 2019 में जिला स्तर से लेकर एक एन कार्ड
यानी कि नार्को कोऑर्डिनेशन की स्थापना की थी। हर राज्य में पुलिस विभाग में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया था और राष्ट्रीय स्तर पर भी अभियान चलाया जा रहा था। अमित शाह के अनुसार ड्रग्स के विरुद्ध व्यापक लड़ाई के परिणाम स्वरूप जब्त किए गए ड्रग्स की मात्रा 30 गुना तक बढ़ गई है। अब यहाँ पर आंकड़े भी दिए हैं कि 2006 से लेकर 2013 तक 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई थी और वहीं पर 2014 से 2022 में लगभग 30 गुना बढ़कर ये 22,000 करोड़ तक की ड्रग्स इसमें जब्त की गई है और पहले की तुलना में 181% अधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं, लोगों के खिलाफ केस भी किया गया है, तो ये एक सराहनीय कदम माना जा सकता है। अब आते हैं हम SGPC ने सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक को किया खारिज। SGPC यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो पंजाब विधानसभा से कुछ चेंजमेंट एक्ट पारित किए गए थे जिसको 125A नाम दिया गया था, उसको सोमवार को बैठक में कैंसिल कर दिया गया, असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया गया। SPG अध्यक्ष जो हैं एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने विशेष तौर पर ये बैठक बुलाई थी और विधेयक में संशोधन को आप जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल की सिख विरोधी चाल बताया। उन्होंने कहा कि अगर इस विधेयक को जल्दी वापस नहीं लिया गया तो इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। लिखित तौर पर राष्ट्रपति को और राज्यपाल को इसके लिए भेज दिया गया है और अगर नहीं वापस लिया जाता है तो आंदोलन भी किया जाएगा। इसमें धार्मिक हस्तक्षेप की भी बात कही जा रही है और ऐसा बोला गया है कि अगर इसमें किसी कानून को चेंज भी करना है तो उसके लिए SGPC का निर्णय ही सर्वमान्य व अंतिम होगा। नेक्स्ट न्यूज है, ओबामा भारत की आलोचना से ज्यादा सराहना में ऊर्जा खर्च करें, जानी मूर। अभी जानी मूर कौन है? ये अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के पूर्व आयुक्त हैं। उन्होंने इस लिए ये बयान दिया है क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे तो बराक ओबामा का एक स्टेटमेंट आया कि भारत में मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है और वे डर कर रहते हैं। उसके बाद जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी इसका खंडन किया, आंकड़े प्रस्तुत किए और अब उनके खुद के देश के जो एक चर्चित व्यक्ति हैं जानी मूर, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि वो पहले अपनी जो ऊर्जा है वो सराहना में खर्च करें। 13 देशों ने पूरे कंट्री के यानी पूरे विश्व के 13 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, नागरिक सर्वोच्च सम्मान दिया है, जिसमें से 6 देश ऐसे हैं जो मुस्लिम कंट्री है और अभी मिस्र में भी उनको ये पुरस्कार दिया गया है, यानी कि प्राइड ऑफ नील ये पुरस्कार दिया गया है जो सर्वोच्च सम्मान है। तो उसके बाद भी अगर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जलन की भावना समझ में आती है। और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया था कि जब ओबामा राष्ट्रपति थे तो उन्होंने किस तरीके से 6 मुस्लिम राष्ट्रों पर बम गिराए थे और हमले किए थे जिसमें 26,000 लोगों की मौत भी हुई थी। देश के 80% हिस्सों में पहुंचा मानसून। अब लगभग 61 साल बाद ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ कई राज्यों में मानसून पहुंच रहा है। कल मुंबई और दिल्ली में एक साथ मानसून पहुंचा और ये 1961 के बाद 21 जून 1961 के बाद 25 जून 2023 में ऐसा कारनामा हुआ है और अगले 22 से 24 घंटों में ये पूरे देश में मानसून पहुंच जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 5 साल में आ सकती है कैंसर से बचाव की वैक्सीन। दुनिया भर में कैंसर के विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों की चिंता का कारण बना हुआ था। कैंसर के ज़्यादातर प्रकार का इलाज जल्दी जांच पर निर्भर करता है। इलाज के बाद भी कैंसर के दोबारा होने की आशंका बनी रहती है। दशकों तक सीमित सफलता के बाद अब वैज्ञानिकों को उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि अगले 5 साल में कैंसर को लेकर कई कारगर टीके भी इजाद किए जा सकते हैं। उन्नत होती टेक्नोलॉजी के दम पर इस बात को लेकर स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हुई है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से कैंसर कोशिकाएं स्वयं को कैसे छिपाती हैं, इसी को आधार बनाकर वैक्सीन बनाई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि दिल्ली में महंगी हुई है बिजली। अब दिल्ली में बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं। पहले ही उपभोक्ताओं को ज़्यादा बिल चुकाना होगा, पहले से ज़्यादा चुकाना होगा क्योंकि बिजली वितरण कंपनियां जिन्हें डिस्कॉम बोला जाता है अब कुल बिजली बिल का लगभग 1.5 से 9
प्रतिशत तक बिजली खरीद संयोजक लागत यानी कि PPAC शुल्क वसूलेंगी। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी है। DERC के इस फैसले से दिल्ली में बिजली महंगी हो गई है और इसकी सबसे ज़्यादा मार पूर्वी दिल्ली में देखने को मिलेगी। अब ये PPCA क्या होता है जिसको बढ़ाया गया है? देखिए, ईंधन के दाम बढ़ने से डिस्कॉम को बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों से बढ़े हुए मूल्य पर बिजली खरीदनी पड़ती है। उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली बिजली की दरें इस अनुपात में नहीं बढ़ती। इस घाटे की भरपाई के लिए डिस्कॉम की उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट बिजली पर PPAC शुल्क वसूलने की अनुमति दी जाती है। और इसमें दिल्ली सरकार का एक स्टेटमेंट आया है कि जो लोग अभी भी 200 यूनिट से कम बिजली की खपत करेंगे उनके लिए मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। LG ने दी शिकायत निवारण नियमों के मसौदे को मंजूरी। देखिए, जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के VK सक्सेना, उन्होंने बोला है कि 2013 से लंबित टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और फेयर प्राइस शॉप से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए दिल्ली शिकायत निवारण नियमों के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने इसमें दिल्ली सरकार की तरफ से हुई देरी को अक्षम्य और संवेदनहीन बताया है। राजनिवास ने कहा कि इस आशय की फाइल पहली बार सितंबर 2017 में भेजी गई थी और तत्कालीन LG ने उसे मंजूरी दी थी। उसके कुछ दिन बाद CM ने फाइल को LG के पास वापस भेजा था और कहा था कि फाइल पर अनजाने में हस्ताक्षर कर LG को भेज दिया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। दुनिया की बेहतरी के लिए भारत अमेरिका की दोस्ती, ये स्टेटमेंट दिया है मोदी ने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती वैश्विक हित के लिए बड़ी ताकत है और यह दुनिया को बेहतर बनाने के लिए साथ साथ अधिक टिकाऊ भी बनाएगी। मोदी की टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक ट्वीट के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने जो प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी, उनकी जो यात्रा हुई उसका एक वीडियो बनाकर अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने जारी किया है। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में संपन्न राजकीय यात्रा का वीडियो साझा करते हुए बोला कि अमेरिका और भारत के बीच की दोस्ती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। यह पहले से अधिक मजबूत, गहरी और गतिशील है। इसमें प्रधानमंत्री जो 20 जून को अमेरिका की यात्रा पर गए थे, उसके बाद मिस्र भी गए थे, तो ये एक सफल यात्रा मानी गई है। इसमें कई सौदे भी हुए हैं जिसका आने वाले दिनों में लाभ देखने को भारत को मिलेगा। फिर है कि दो बार भारत का दौरा कर सकते हैं बाइडेन। अभी तक सिर्फ बराक ओबामा ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने दो बार भारत का दौरा किया है। एक किया है उन्होंने 2010 में और दूसरा दौरा किया है 2015 में। बाइडेन होंगे पहले, अब ये दूसरे राष्ट्रपति बन जाएंगे, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि सितंबर 2023 में G20 की बैठक होने वाली है राष्ट्राध्यक्षों की, उसमें जो बाइडेन आएंगे और हिस्सा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर नवंबर 2024 में क्वाड देशों की बैठक होनी है, क्वाड संगठन की बैठक होनी है, जिसमें फिर से बाइडेन के आने की उम्मीद है। तो ये इनकी दो आधिकारिक यात्राएं हो जाएंगी। क्वाड के विषय में आपको पता होगा कि क्वाड संगठन भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का संगठन है। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में किस तरीके से चीन के दबदबे को रोका जाए, इसलिए ये संगठन बनाया गया था। हालांकि चीन हमेशा इसको नकारता रहा है और चीन बोलता है कि ये एक सैन्य संगठन है जो चीन की अखंडता को रोकने के लिए, अखंडता को बर्बाद करने के लिए ये संगठन बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। AI के लिए तय होगा नो गो एरिया, राजीव चंद्रशेखर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI मददगार होने के साथ साथ यूजर्स के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है, इसलिए सरकार AI के लिए नो गो एरिया तय करने जा रही है। एक पॉडकास्ट कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आगामी मानसून सत्र में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल संसद में पेश किया जाएगा। अब ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल होता क्या है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कई ऐप में आपसे ओके करने के लिए बोला जाता है, अगर आप ओके नहीं करते हैं तो फिर स्क्रीन आगे मूव नहीं होती है। तो इसका मतलब आपका जो डाटा है वो मजबूरन आपसे लिया जाता है और दूसरे देशों में भेजा जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर यूज़र नहीं चाहेगा तो उसका डाटा किसी भी तरीके से दूसरे देश में भेजा नहीं जा सकता है, उसको ये अधिकार मिलेगा। और इसमें यह भी बताया गया कि 80 करोड़ लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, इसलिए उनके डाटा की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। 57% विधेयकों को राज्यपालों ने एक महीने के भीतर ही सहमति दे दी है।
देखिए, राज्यपालों का अक्सर राज्यपालों पर सवाल उठाए जाते हैं कि वे अधिक समय तक किसी भी विधेयक को लटकाए रखते हैं। इसमें थोड़ी सच्चाई भी है, क्योंकि कई आंकड़े देखे जा रहे हैं जिसमें पिछले साल तो देखा गया कि राज्यपालों ने 57% विधेयकों को एक महीने के भीतर अपनी मंजूरी दे दी। कुछ मामलों में 10 दिन के भीतर भी राज्यपालों ने विधेयकों को मंजूरी नहीं दी। खासतौर पर तमिलनाडु में तो ये एक सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला गया कि विधेयक को 6 महीने तक दबाए रखा गया। तेलंगाना में इसी टाइप का एक बिल भी पास किया गया विधानसभा में कि तय समय में अगर राज्यपाल को अगर कोई विधेयक भेजा गया है तो उसे तय समय में पारित करना है, अगर नहीं किया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लड़ी जाएगी। अब ऐसा नियम है कि राज्यपाल उस विधेयक को इसलिए भी अपने पास रख सकता है कि उस पर विचार करेगा या फिर राष्ट्रपति के समक्ष उसको विचार के लिए भेजेगा, लेकिन उसकी भी अवधि है 6 महीने। अगर उन्होंने विचार के लिए संशोधन के लिए विधानसभा को दोबारा भेज दिया और उसके बाद अगर विधानसभा ने उसे राज्यपाल के पास भेज दिया तो राज्यपाल के लिए ये बाध्य हो जाएगा कि उस बिल को पारित करे। और ये भी सत्य है कि जब तक राज्यपाल और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक कोई भी प्रस्ताव विधेयक कानून नहीं बन सकता है। तो इसमें भी खींचातान कई राज्यों में देखने को मिलती है, खासतौर पर गैर भाजपा शासित राज्यों में। ऑस्ट्रेलिया में 1 जुलाई से नया वीजा नियम, काम के घंटे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय छात्र इस साल 1 जुलाई से बिना वीजा प्रायोजक 8 साल तक कार्य के लिए आवेदन कर सकेंगे। वर्क वीजा पर 2 साल का विस्तार भी मिल सकेगा। हर पखवाड़े में काम के घंटे की सीमा 40 से बढ़ाकर 48 कर दी जाएगी। वीजा प्रायोजक उन लोगों के सभी खर्चों की जिम्मेदारी लेते हैं जिनके पास विदेश यात्रा के दौरान अपने खर्चों का भुगतान करने के लिए आय प्रमाण पत्र नहीं होता है। अब कॉमिक्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरक कहानियां, मन की बात की जो कहानियां हैं वो बच्चों तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए NCERT ने एक डिजिटल कार्यक्रम भी बनाया है और प्रेरक कहानियों को पहुंचाने के लिए जो मन की बात है उसके हर संस्करण को जारी किया जाएगा। और ये मौका इसलिए हो रहा है क्योंकि 100 एपिसोड पूरे हो गए थे, इसलिए ये प्रकाशित किया जाएगा। इसमें हाल ही में IIM रोहतक के अध्ययन में बताया गया कि इस कार्यक्रम को 23 करोड़ लोगों ने नियमित रूप से सुना है और इसके बारे में 98% लोग जानते हैं। कॉमिक्स के स्वरूप में तैयार की गई पहली पुस्तक में बताया गया है कि अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए कला प्रेमियों के एक दल ने कैसे शहर की प्रमुख दीवारों को बेहतर पेंटिंग और कलाकृतियों से सजाया था। इस कॉमिक्स में बनारस के उस राजू की भी कहानी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उन्होंने बताया कैसे दिव्यांग भीख मांगकर अपना भरण पोषण करता था, लेकिन कोविड काल में उसने उन पैसों से और गरीबों को जिनको जरूरत थी उनकी मदद करी थी। तो इस तरीके की कहानियां, प्रेरक कहानियां कॉमिक्स के माध्यम से पढ़ने को मिलेंगी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। PM की अमेरिका मिस्र यात्रा भारत की कूटनीति के लिए मील का पत्थर, वैष्णव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका और मिस्र यात्रा भारत की कूटनीति के लिए मील का पत्थर होगा। दोनों देशों में उनका स्वागत वैश्विक राजनीतिक में देश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों को दर्शाता है। जाहिर सी बात है इसमें बड़ाई तो उनकी होनी ही है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंफ्रा पर खर्च होंगे 5 लाख करोड़ रुपए। देखिए, आने वाले दिनों में 2-3 महीनों में इंफ्रा परियोजनाओं के साथ साथ रोजगार में भी तेजी दिख सकती है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार को कायम रखने के लिए सरकार जो चालू वित्त वर्ष है यानी कि 23-24 उसकी दूसरी तिमाही जो जुलाई से सितंबर तक है पूंजीगत खर्च के लिए आवंटन 50% राशि हर हाल में खर्च करना चाहती है, जिससे वैश्विक सुस्ती में होने वाले नुकसान की भरपाई घरेलू खर्च बढ़ाकर की जा सके। हाल ही में कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में इस संबंध में बैठक की गई थी जिसमें सभी सार्वजनिक कंपनियों व अन्य सरकारी विभागों को इस प्रकार के निर्देश दिए गए। इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय की तरफ से सोमवार को बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य जैसी परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए 16 राज्यों को विशेष सहायता स्कीम के तहत 56,415 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने विकास दर के अनुमान को बरकरार रखा है। देखिए, S&P ने जो ग्लोबल रेटिंग जो एजेंसी है उन्होंने सोमवार को जो भारत की आर्थिक विकास दर 6% बताई थी उसको अभी भी बरकरार रखा है और उन्होंने बोला है कि ये आंकड़ा
ऐसा ही बना रहेगा। रेटिंग्स ने एशिया प्रशांत के लिए अपनी तिमाही आर्थिक समीक्षा में कहा कि हमारा अनुमान है कि भारत, वियतनाम और फिलीपींस की वृद्धि दर लगभग 6% रहेगी। S&P ग्लोबल रेटिंग के मुख्य अर्थशास्त्री लुइस क्विज ने कहा कि मध्यम अवधि के लिए वृद्धि अनुमान अपेक्षाकृत मजबूत है। एशिया की उभरती बाजार अर्थव्यवस्था 2026 तक हमारे वैश्विक वृद्धि परिदृश्य में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बनी हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ग्रीन हाइड्रोजन अपनाने की राह में अड़चनें कम नहीं हैं। जाहिर सी बात है, पहली बात तो जो नॉर्मल ईंधन होता है उससे ये 5 से 6 गुना महंगी होती है, और अभी तक उतने संसाधन भी नहीं हैं कि इसको, इसकी जो अमाउंट है यानी कि जो इसका खर्चा है उसको लेवल पे लाया जाए, तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो देखने को मिलेंगी। अभी तक 350 अरब डॉलर की सब्सिडी का ऐलान इसमें किया गया था। 55 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाउस के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। भारत को शोध और विकास पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जरूरी आवश्यक सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना होगा। जनवरी में ही यानी कि 2023 जनवरी में 19,744 करोड़ रुपये जारी किए गए थे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, जो अभी नाकाफ़ी हैं। इसमें कुछ चुनौतियां दी गई हैं, वो भी देख लेते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पवन और सौर ऊर्जा से बनी बिजली को बॉक्स नुमा इलेक्ट्रोलाइजर से गुजरना होगा। दूसरी बड़ी चुनौती है कि विकसित देशों की तरफ से आएगी, जहां से वे ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। यूरोपीय संघ ने 2030 तक 350 अरब डॉलर सब्सिडी का ऐलान किया हुआ है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आने वाले दिनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब ये न्यूज़ जो है वो शेयर मार्केट से है तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में रूस ने विद्रोह के बाद शोइगु सामने आए, लेकिन प्रिगोजिन अभी लापता हैं। वागनर जो एक लड़ाकू सैन्य था, दस्ता था, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ चले गए थे वो, और मॉस्को पे कब्जा करने की कोशिश करी थी, लेकिन अब वो पीछे हट गए हैं बेलारूस के हस्तक्षेप के बाद। सैन्य प्रतिष्ठानों की रक्षा करने में विफल रहे पाक के 3 सैन्य अफसर बर्खास्त। पाकिस्तान में 9 मई को PTI कार्यकर्ताओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान सैन्य प्रतिष्ठानों की रक्षा न कर पाने के आरोप में 1 लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर पर भी कार्रवाई की गई है। इस मामले में सैन्य अदालत ने 102 लोगों पर मुकदमा चलेगा, ऐसी घोषणा की है। सेना ने इस घटना को देश के इतिहास में एक काला अध्याय बताया है। भारत अमेरिका के बढ़ते रक्षा संबंधों से बौखलाया चीन। भारत और अमेरिका के बढ़ते रक्षा सहयोग से चीन बौखला गया है और कहा है कि कोई भी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाला नहीं होना चाहिए, वह किसी तीसरे देश के लिए नुकसानदायक और उसे निशाना बनाने वाला भी नहीं होना चाहिए। चीन का यह प्रतिक्रिया हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के समय लड़ाकू विमानों के लिए भारत के इंजन निर्माण समझौते और अत्याधुनिक ड्रोन खरीद के सौदे के बाद यह स्टेटमेंट आया है। चलिए, तो ये आज का यानी 27 जून 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।